गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्था ग्रुप ऑफ एजुकेशंस। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स के दौरान हम कुछ टेक्सोनॉमिक टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे, जहां पर हमने अधिकांश टेक्सोनॉमिक टर्मिनोलॉजी को और उसकी शब्दावली को डिस्कस किया है। आज हम फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि फल क्या होते हैं। तो आप सभी को पता होगा, जो फ्रूट्स होते हैं वह निषेचित अंडाशय का उत्पाद होता है, मतलब जो फर्टिलाइज्ड जो ओवरी होती है वही किसके रूप में रूपांतरित होती है, फल के रूप में या फ्रूट्स के रूप में रूपांतरित होती है। मतलब फल क्या है, एक निषेचित अंडाशय का क्या है, रूपांतरण है। एक निषेचित अंडाशय के द्वारा ही फल का निर्माण होता है। और फलों के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, बीज उपस्थित होते हैं। क्योंकि अगर निषेचन होगा तो निषेचन कहाँ पर होगा, तो बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोष होता है या एम्ब्रियो सेक होता है उसके अंदर जो एक सेल उपस्थित होती है उसी में ही निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और निषेचन के फल पश्चात जो बीजांड है वह बीज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ओवरी या अंडाशय के अंदर उपस्थित होता है। तो हम कह सकते हैं कि फल के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, बीज उपस्थित होते हैं। अब आपने देखा होगा जो कुछ फल ऐसे भी होते हैं जिनमें बीज नहीं पाए जाते हैं, मतलब उनमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई होगी, इसी कारण उनमें क्या नहीं बने हैं, बीज नहीं बने हैं। तो ऐसे फलों को कहा जाता है निषेचित फल या अनिषेक फल। क्या कहा जाता है, अनिषेक फल। और इन्हें क्या कहा जाता है, दूसरे भाषा में पार्थेनो कार्पिक फल या पार्थेनो कार्पिक फ्रूट्स। तो ऐसे फल जिनमें बीज नहीं पाए जाते हैं या जिनमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई है उन्हें अनिषेक फल या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहा जाता है। जैसे आपने अंगूर देखा होगा, केला देखा होगा, इनमें क्या नहीं होते हैं, बीज एब्सेंट होते हैं। तो ये फल कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अनिषेक फल या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स के अंतर्गत आते हैं। अब जिनमें बीज पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें निषेक फल कहा जाता है। अब जो फल होते हैं उनमें क्या उपस्थित होती है, फल भित्ति उपस्थित होती है। फल के अंदर क्या देखने को मिलेगी हमें, फल भित्ति, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे पेरिकार्प भी कहा जाता है। अब फल के अंदर या फल में तीन फल भित्तियां हमें देखने को मिलती है, कौन कौन सी, एक तो बाह्य फल भित्ति, एक मध्य फल भित्ति और एक है अंतः फल भित्ति। कौन सी, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। मतलब एक तो है बाह्य फल भित्ति, मतलब इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे एपी का। मध्य फल भित्ति मतलब ग्रीटो का। अंतः फल भित्ति मतलब एंडो का। अब जो एपी कार्प होती है ये क्या बनाती है, ये बनाती बाह्य त्वचा या छिलके का निर्माण करती है। मतलब फल का जो बाह्य त्वचा या जो छिलका बना हुआ होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, एपिकार्प से मिलकर बना हुआ होता है। और ये कैसी होती है, यह या तो नरम हो सकती है या कठोर प्रकृति की हो सकती है। जैसे आम में आपने देखा होगा, आम की जो बाह्य त्वचा होती है वह कैसी होती है, हरे रंग की या हरे नीले रंग की होती है। क्योंकि कैसी होती है, चर्बिल प्रकृति की होती है या कठोर प्रकृति के मुझे बोल सकते हैं। तो वह क्या है, उसकी एपिकार्प है। इसके बाद जो मध्य फल भित्ति है या मेजोकार्प है, ये कैसी है,
मोटी तथा गुदेदार होती है। कैसी है? मोटी तथा गुदेदार होती है, जो कि फल की मध्य परत होती है, या फल की जो मध्य मध्य जो परतें होती है वह मध्य संतृप्ति कहलाती है। कैसी है? यह मोटी तथा गुदेदार होती है। जैसे अगर हम आम की बात करें तो आम का जो व्हाइट वाला जो पोर्शन होता है फल वृत्ति के अंदर, आम का जो गुदेदार वाला जो पोर्शन होता है, जो जिसमें रेशे जैसी संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? मेजोकार्प या मध्य फल वृत्ति कहा जाता है। उसी प्रकार अगर हम नारियल की बात करें तो नारियल का जो रेशे वाला जो पोर्शन होता है वह किसका रूपांतरण है? मध्य फल वृत्ति का रूपांतरण है। जबकि नारियल की जो बाह्य परत है वह कैसी होती है? काफी कठोर प्रकृति की होती है, जबकि मध्य रेशेदार भाग और आंतरिक काफी कठोर भाग होता है। इसके बाद बात करते हैं हम अंतःफल वृत्ति की। अब जो अंतःफल वृत्ति होती है यह भी कठोर प्रकृति की हो सकती है या झिल्ली नुमा हो सकती है। जैसे हम बात करें आम की, तो आम की जो गुठली होती है वह कैसी होती है? काफी कठोर प्रकृति की होती है। मतलब कैसी है? आंतरिक फल वृत्ति कठोर होती है। उसी प्रकार अगर नारियल की बात करें तो नारियल में भी नारियल के जो रेशे होते हैं उसके अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो काफी कठोर होता है। इसके अंदर क्या उपस्थित होता है? ऐसा कुछ मात्रा में तरल या लिक्विड भरा हुआ रहता है और कुछ मात्रा में यहाँ पर कुछ गुदेदार पोर्शन भी उपस्थित होता है। जो ये गुदेदार पोर्शन है, जो ये लिक्विड है, ये इसके एंडोस्पर्म वाला या भ्रूणकोश वाला पोर्शन है। जबकि भ्रूणकोश को घेरे वाला जो कठोर भाग होता है वो क्या होता है? इसकी अंतःफल वृत्ति होती है। उसी प्रकार आम के अंदर भी हमें अंतःफल वृत्ति देखने को मिलती है, जो कि काफी कठोर प्रकृति की होती है। जबकि अगर हम खजूर की बात करें, खजूर में क्या होता है? बाह्य फल वृत्ति तो कैसी होगी? काफी चिकनी प्रकृति की होगी। मध्य फल वृत्ति थोड़ी बहुत गुदेदार होगी। जबकि जो आंतरिक फल वृत्ति होती है वह कैसी होती है? झिल्ली नुमा होती है, जो कि बीच के चारों ओर एक झिल्ली नुमा एक रंगीन परत के रूप में पाई जाती है। तो ये कि हमने यहाँ पर फल की फल वृत्तियों के प्रकारों के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं कि जो फल होते हैं वह दो प्रकार के और होते हैं। एक तो होते हैं आवासी फल और एक होते हैं सत्य फल, मतलब सत्य और असत्य फल। एक तो वास्तविक या सत्य फल और दूसरे हैं आभासी फल। अब इन दोनों ही प्रकार के फलों में क्या अंतर है? तो सत्य फल या ट्रू फ्रूट्स या वास्तविक फल किन्हें कहेंगे? तो ऐसे फल जिनमें जायांग का केवल अंडा से ही किसके रूप में रूपांतरित होता है? फल के रूप में रूपांतरित होता है। मतलब केवल अंडाशय के द्वारा ही क्या बनाया जाए? फल बनाया जाए। उन फलों को कहा जाता है ट्रू फ्रूट्स या वास्तविक फल कहा जाता है। अगर हम आवासीय फलों की बात करें तो आवासीय फलों में यहाँ पर क्या होता है? फल के निर्माण में अंडाशय के साथ साथ कोई और संरचना भी यहाँ पर भाग लेती है। जैसे पुष्प का जो पुष्पासन होता है वो फल के रूप में रूपांतरित हो जाए, या फिर पूरा ही जो पुष्प क्रम है वो फल के रूप में रूपांतरित हो जाए। तो ऐसे फल जिनमें अंडाशय के अलावा पुष्प का कोई और भाग भी फल के रूप में रूपांतरित होता है, उसे क्या कहते हैं? आवासीय फल कहा जाता है। जैसे अगर हम सेब की बात करें तो सेब में क्या होता है? सेब में जो गुदेदार पोषण होता है वो किसका होता है? तो सेब में जो गुदेदार जो पोषण होता है वो होता है उसके पुष्पासन का। मतलब उसका पुष्पासन ही किसके रूप में रूपांतरित हो जाता है? फल के रूप में रूपांतरित हो जाता है। जबकि अंदर की जो इसकी कठोर भित्तियां होती है वो इसकी फल भित्तियां होती है, और उसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं? बीज उपस्थित होते हैं। जैसे आपने ऐसा कुछ पोर्शन पढ़ा होगा इसमें क्या उपस्थित होते हैं? इसके बीज उपस्थित होते हैं, और बाहर की तरफ क्या है? इसका गुदेदार वाला पोर्शन
है। तो ये गुदेदार वाला पोर्शन का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो पुष्प के जो पुष्पासन है उसके द्वारा गुदेदार पोर्शन का निर्माण किया जाता है, जबकि इसका अंडाशय और इसके जो बीजांड है वह फल की वह अंदर की ओर उपस्थित होते हैं। इसी कारण जो सेब है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, आवासीय फल की कैटेगरी में आते हैं। जबकि जो अधिकांश फल हैं वो कैसे फल हैं, सत्य या ट्रू फ्रूट्स हैं, जिनमें केवल अंडाशय के द्वारा ही किसका निर्माण किया जाता है, फल का निर्माण किया जाता है। अब हम फलों के वर्गीकरण की बात करें या क्लासिफिकेशन की बात करें, तो फलों का वर्गीकरण हम दो आधार पर कर सकते हैं। अब वह आधार कौन कौन से हैं, अगर हम फलों के क्लासिफिकेशन की बात करें कि कौन सा प्रकार का फल आवासीय है, कौन से प्रकार का फल वास्तविक है, तो अगर इस बारे में हम क्लासिफिकेशन करें तो क्लासिफिकेशन दो आधार पर किया जाता है। वह आधार कौन कौन से हैं, एक तो है जायांग में अंडकों की संयुक्त अथवा पृथक दशा, मतलब जायांग में जो अंडक हैं वह पृथक पृथक है या संयुक्त अवस्था में है। तो एक तो इस व्यवस्था को दिया देखा जाता है फलों का क्लासिफिकेशन करते समय, और साथ ही यह भी देखा जाता है कि एक या एक से अधिक पुष्पों का फल परिवर्तन में भाग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। जैसे कोई एक पुष्प है और उसी पुष्प का जायांग या अंडाशय फल के रूप में परिवर्तित हो रहा है, या फिर बहुत सारे पुष्प एक साथ मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, फल का निर्माण कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे पुष्पों का अंडाशय किसके रूप में परिवर्तित हो रहा हो, पुष्पों के रूप में रूपांतरित हो रहा हो। इन दोनों ही आधार पर हम फलों को वास्तविक और आवासीय फल के रूप में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इन दोनों के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि फल वास्तविक है या आवासीय प्रकार का है। तो इस आधार पर जो फलों का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसमें फलों को तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक तो है एकल फ्रूट्स या सिंपल टाइप ऑफ फ्रूट्स, एक है पुंज फल जिसे एग्रीगेट टाइप ऑफ फ्रूट्स बोला जाता है, और एक है साग्रंथित फल। क्या है साग्रंथित फल या इसे कंपोजाइट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है कंपोजाइट। एक तो एकल फ्रूट्स जिसमें केवल जायांग के द्वारा एक ही फल का निर्माण किया जाएगा। इसी प्रकार पुंज फल मतलब फलों का निर्माण किसमें होगा, एक पुंज के रूप में या ग्रुप्स के रूप में होगा। और साग्रंथित फल में क्या होगा, इसमें जो पूरा पुष्प क्रम है वही किसके रूप में रूपांतरित हो जाएगा, तो वह पुष्प क्रम किसके रूप में रूपांतरित हो जाएगा, फल के रूप में रूपांतरित हो जाएगा। तो हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि जो साग्रंथित फल होते हैं उनमें पुष्प क्रम फल के रूप में रूपांतरित हो रहा है निषेचन के बाद। तो जो साग्रंथित फल होते हैं वह कैसे फल होते हैं, तो ये होते हैं आवासी फल। मतलब जितने भी जो साग्रंथित फल है वह कैसे हैं, आवासी फल है। जबकि एकल फल और पुंज फल के बारे में हम ऐसा नहीं कर सकते, ये वास्तविक भी हो सकते हैं और आवासी भी हो सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एकल फ्रूट्स की। तो एकल फ्रूट्स में क्या होगा, पुष्प का जो जायांग है वह कैसा होगा, संयुक्तांडपी होगा, या तो एक अंडपी होगा या बहुअंडपी होगा। तो कैसा होगा, संयुक्तांडपी होगा, एक अंडपी या बहुअंडपी संयुक्तांडपी जायांग के द्वारा एकल फ्रूट्स का निर्माण किया जाता है। अब जो एकल फ्रूट्स होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो होते हैं ये गुदेदार फ्रूट्स, एक होते हैं शुष्क फल या ड्राई फ्रूट्स। अब जो गुदेदार फल है वह भी कई प्रकारों में यहाँ पर बांटे गए हैं, जैसे एक तो है अष्टी फल, एक है सरस फल जो कि काफी रसीली प्रकृति के होते हैं, एक है पेपो, एक है पॉम, एक है हेस्पिरिडियम, एक है बेलास्टा और एक है एम्पी सरका। तो पहले हम बात करते हैं अष्टी फल की। तो जो अष्टी फल है ये कैसे फल है, एकल फल है। और जो अष्टी फल है
ये किसके रूपांतरण से बनते हैं, मतलब इनका जो जायांग होगा वह किस प्रकार का होगा, तो जो जायांग होगा इनका वह कैसा होगा, एक अंडपी और उर्द्ववर्ती जायांग ही इनमें किसमें रूपांतरित होता है, फल के रूप में रूपांतरित होता है। और जो अस्थिर फल है ये किस प्रकार के होंगे, स्थिर फल है इनकी जो अंतः फल वृत्ति होती है, कौन सी फल वृत्ति, अंतः फल वृत्ति, वह कैसी होती है, काफी कठोर प्रकृति की होती है। और बाह्य फल वृत्ति कैसी होती है, काफी चर्बिल प्रकृति की होती है, अंतः फल वृत्ति कठोर होती है। जैसे अगर हम आम की बात करें तो आम में क्या है, एक अंडपी जो जायांग है वही किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसमें फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, या एक अंडपी जो अंडा से होता है वह फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जिसकी अंडा फल वृत्ति तो कैसी होगी, काफी कठोर प्रकृति की होगी, जिसमें क्या उपस्थित रहता है, आम का जो बीज है वो उपस्थित रहता है। जबकि जो मध्य फल वृत्ति होती है वह कैसी होती है, गुदेदार प्रकृति की होती है। और जो बाह्य फल वृत्ति होती है वह कैसी होती है, चर्मिल प्रकृति की होती है। उसी प्रकार अगर हम अखरोट की बात करें या बादाम की बात करें तो ये भी कैसे फल है, तो ये भी अस्थिर फल है या ड्रूप फ्रूट्स है। कैसे फल है, ड्रूप फ्रूट्स है। तो ये जो ड्रूप फ्रूट्स है इनकी खास विशेषता क्या होगी, इनकी अंतः फल वृत्ति कठोर होती है। जैसे कि अखरोट और बादाम की अगर बात करें तो अखरोट और बादाम की भी जो अंतः फल वृत्ति होती है वो काफी कठोर प्रकृति की होती है, जिसके अंदर क्या उपस्थित होता है, बीज या उसकी गिरी उपस्थित होती है। जैसे बादाम के बीज के बाहर आपने देखा होगा काफी कठोर वृत्ति पाई जाती है। बीज तो क्या है, जो बादाम होती है वही क्या है, उसका बीज वाला पोर्शन है जो कि खाया जाता है, जबकि इसके बाहर जो कठोर वृत्ति होती है वह क्या है, अंतः फल वृत्ति होती है। उसी प्रकार अखरोट में भी जो कठोर वृत्ति होगी अंतः फल वृत्ति होगी, और उसका जो खाया जाने वाला जो पोर्शन है वो उसका बीज या गिरी वाला पोर्शन होता है। इसके बाद बात करते हैं हम सरस फल की या काफी घसीले फल की या गुदेदार फल की। जो सरस फल होते हैं वह कौन से प्रकार के जायांग के रूपांतरण से बनते हैं, उनका जो जायांग होगा वो कैसा होगा, एक अंडपी या बहु अंडपी संयुक्तांडपी जायांग से, और वह जायांग कैसा होगा, उर्द्ववर्ती या अधोवर्ती प्रकार का होगा, मतलब सुप्रीयर या इंफीरियर ओवरी रहेगी उनमें, और वह एक अंडपी और बहु अंडपी संयुक्तांडपी प्रकार का हो सकता है। इस प्रकार का जायांग भी किसके रूप में रूपांतरित हो जाएगा, सरस फल के रूप में रूपांतरित हो जाएगा। सरस फल यही में कहा जाता है बेरी। अब जो सरस फल होते हैं इनके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इनके जो एग्जाम्पल है वह है टमाटर है, बैंगन है और अमरूद है। तो इनका जो निर्माण होता है वह कौन से प्रकार के बीजाण्डन्यास पाया जाता है इनमें, तो अगर इनमें बीजाण्डन्यास की बात करें तो इनमें जो बीजाण्डन्यास होता है वह कैसा होता है, अक्षीय प्रकार का होता है। जैसे अगर टमाटर की हम बात करें, बैंगन की बात करें, इनमें जो अक्षीय बीजाण्डन्यास पाया जाता है, मतलब इनका जो अंडाशय होता है वह किसने बटा हुआ होता है, कोष्ठकों के रूप में बटा होता है। और कोष्ठकों में यहाँ पर जो ये केंद्रीय संभाग होता है यहाँ पर क्या लगे हुए रहते हैं, इनमें बीज लगे हुए रहते हैं, इनमें अक्षीय प्रकार का बीजाण्डन्यास है। परंतु बाद में क्या होता है, जब ये कोष्ठकों की जब ये भित्तियां खुल जाती हैं, इनके जो बीज हैं वो जगह जगह पर इसके गुदे में
भरे हुए पाए जाते हैं। जैसे अमरूद में आपने देखा होगा, अमरूद में जो बीज होते हैं वो जगह जगह पर हमें देखने को मिलते हैं, जबकि उनका जो बीजांड न्यास है वो किस प्रकार का है, अक्षीय प्रकार का है। उसी प्रकार टमाटर के अंदर भी देखा होगा, टमाटर में जो प्रारंभिक अवस्था में जो बीज होते हैं वह इनकी भित्तियों से लगे हुए रहते हैं, परंतु बाद में प्रकोष की भित्तियां भूल जाती है, जिसके कारण इनके बीज जो होते हैं वो जगह जगह पर फैले हुए रहते हैं। इस प्रकार के जो फल होते हैं जो कि काफी सरस प्रकृति के होते हैं या काफी मांसल प्रकृति के होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सरस फल या बेरी प्रकार के फल कहा जाता है। और यह एक अंडी या बहुअंडी संयुक्त अंडी जयान से रूपांतरण से बनते हैं, और उनका जो जयान या अंडाशय होता है वह ऊर्ध्ववर्ती भी हो सकता है और अधोवर्ती भी हो सकता है। इसे अगर ऊर्ध्ववर्ती की बात करें तो टमाटर और बैंगन, और अधोवर्ती की हम बात करें तो अधोवर्ती में है अमरूद, और इनका जो बीजांड न्यास है वो कैसा है, अक्षीय प्रकार का है। इसके बाद हम थर्ड प्रकार की बात करते हैं, तो थर्ड है पेपो प्रकार। पेपो प्रकार के फ्रूट्स, अब जो पेपो प्रकार के फ्रूट्स हैं वो किस प्रकार के जयांगी के या अंडाशय के रूपांतरण से बनते हैं, उनमें जो जयांग होता है वह त्रि अंडपी संयुक्त अंडपी अंडाशय होता है, और इनका जो बीजांड न्यास होगा वह कैसा होगा, द्वितीय बीजांड न्यास होगा, और जो अंडाशय होगा वह कैसा होगा, अधोवृत्ति अंडाशय होगा, मतलब हाइपोबैंगस यहाँ पर बहुवी पाई जाएगी। और यहाँ पर यह कैसा है, त्रिअंडपी है, परंतु कैसा होगा, यहाँ एक कोष्ठकीय होगा, जो तीनों ही अंडक हैं उनमें भित्तियां नहीं पाई जाएंगी, आपस में घुल जाएगी, और एक पल के अंदर कैसा होगा, एक कोष्ठकीय हमें दिखाई देगा। जैसे पेपो में अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो कुकुरबिटेसी जो कुल है, जैसे ककड़ी है, खड़बूजा है, तरबूज है, इसी प्रकार कद्दू है, तो जो कुकुरबिटेसी कुल है उसमें जो फ्रूट्स पाए जाते हैं वह कौन से पाए जाते हैं, पेपो प्रकार के एकल फल पाए जाते हैं, जो कि कैसे होते हैं, एक कोष्ठकीय होते हैं, और इनका निर्माण कौन से प्रकार के जयांग के द्वारा होता है, उत्तरी अंडपी संयुक्त अंडपी अधोवृत्ति अंडाशय युक्त जयांग के द्वारा हुआ है, और इनमें कौन सा बीजांड न्यास पाया जाता है, द्वितीय बीजांड न्यास पाया जाता है। मतलब आपने देखा होगा इनकी जो फल भित्तियां होती हैं उनके ऊपर ही क्या लगे हुए रहते हैं, इनमें बीज लगे हुए रहते हैं, जैसे कद्दू में देखा होगा, ककड़ी में देखा होगा, परंतु ककड़ी के अंदर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इनमें अक्षीय बीजांड न्यास पाया जा रहा है, वह अक्षीय बीजांड न्यास नहीं होता, क्योंकि उनमें क्या होता है, ककड़ी के अंदर क्या होता है, जो बीजांड का जो बीजांड आसन वाला पोर्शन है या जहाँ पर बीजांड लगे हुए होते हैं वह गुदेदार या फूल जाता है, जिसके कारण हमें ककड़ी के अंदर अक्षीय बीजांड न्यास नजर आता है, परंतु वह रियलिटी में कैसा होता है, द्वितीय बीजांड न्यास होता है। तो पेपो कुल में हमें यह सॉरी पेपो जो फ्रूट्स होते हैं उनमें द्वितीय बीजांड न्यास हमें देखने को मिलेगा, और कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर में पेपो प्रकार के फल पाए जाते हैं। इसके बाद जो अगला जो फ्रूट्स है वह है पोम। कौन सा फ्रूट्स है, पोम प्रकार के फ्रूट्स। तो जो पोम प्रकार के जो फ्रूट्स होते हैं यहाँ भी द्वि अंडपी या बहु अंडपी युक्तांडपी जायांग से मिलकर बने होते हैं, मतलब इनमें भी क्या होगा, द्विअंडपी या बहुअंडपी युक्तांडपी जायांग के रूपांतरण से इन फ्रूट्स का निर्माण होता है। और ये भी कैसे हैं, थोड़े गुदेदार फ्रूट्स हैं, और ये जो पॉम फ्रूट्स हैं ये किस प्रकार के फ्रूट्स हैं, ये आवासीय प्रकार के फ्रूट्स हैं, क्योंकि इनमें पुष्प का जो अंडाशय होता है वह फल के पोर्शन मतलब फल के निर्माण में यहाँ पर भाग नहीं लेता। जैसे अगर हम बात करें पॉम प्रकार के जो फ्रूट्स हैं उनके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल है इनका सेब। तो सेब में क्या होता है, सेब का जो खाने वाला जो भाग होता है या सेब की जो बाह्य बल बाह्य जो भित्ति होती है और उसका जो गुदेदार वाला जो पोर्शन होता है
वह किसके रूपांतरण से मिलकर बनता है? पुष्पाशु के रूपांतरण से मिलकर बनता है। इसी कारण से कैसा है? आभासी फॉर्म ट्रूट्स माना जाता है। और इसका जो अंडाशय और जो बीजांड वाला जो पोर्शन है वह किस रूप में पाया जाता है? मैंने अभी अभी बताया, कार्टिलेज के रूप में या कठोर जो परत है उसके रूप में पाया जाता है, क्योंकि सेब के सेंटर में हमें देखने को मिलेगी या सेब के केंद्रीय भाग में देखने को मिलेगी, क्योंकि कठोर कार्टिलेज जैसा उपस्थित होता है जिसमें बीज पाए जाते हैं। इसके बाद जो अगला पुरुष है वह है हेस्पेरिडियम। अब जो हेस्पेरिडियम जो पुरुष है वह कौन से कुल की विशेषता है? किस प्रकार के जो फ्रूट्स पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं रूटेसी फैमिली में। कौन सी फैमिली में? रूटेसी फैमिली में, या जो संतरा कुल जिसे बोला जाता है, तो उसमें हमें हेस्पेरिडियम प्रकार के फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। अब ये फ्रूट्स भी, मतलब इन फ्रूट्स में भी जो जायांग है वह किस प्रकार का होगा? तो इनमें जो जायांग होता है वह होता है बहु अंडपी। और कैसा होगा? संयुक्तांडपी प्रकार का होगा। और इनमें कैसे होंगे? ये बहुकोष्ठकीय प्रकार का होगा। जो जायांग होगा वह बहुकोष्ठकीय होगा, तो फल भी कैसा बनेगा? बहुकोष्ठकीय प्रकार का बनेगा। मतलब जायांग कैसा होगा? बहुअंडपी, संयुक्तांडपी या अपतांडपी बहुकोष्ठकीय जायांग के द्वारा हेस्पेरिडियम प्रकार के फ्रूट्स का निर्माण किया जाता है। अब आपने नारंगी देखी होगी, नारंगी में क्या होता है? एक तो बाह्य फल भित्ति होती है, मध्य जल भित्ति होती है और आंतरिक फल भित्ति होती है। फिर उसका रैसे नुमा जो ग्रंथि जो भाग होता है वही उसका खाने वाला भाग होता है। जैसे नारंगी में आपने देखा होगा जो नारंगी का जो चरबी जो छिलका होता है वह क्या होती है? उसके बाह्य फल भित्ति होती है जिसमें कुछ ना कुछ ऑयली जो ग्लैंड्स हैं वह पाई जाते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा जो बाह्य फल भित्ति है उसके अंदर की ओर कुछ वाइट रैसे नुमा जैसी संरचनाएं आपको देखने को मिलेगी, जो कि नारंगी की कैसी है? मध्य फल भित्ति होती है। और फिर इसके अंदर वो अनेक खाकों के रूप में ऐसे बटा हुआ, उसमें अनेक खाके पाई जाती है, अनेक खाकों के रूप में बटा हुआ होता है। उन खाकों की जो वो पतली परत होती है वह क्या होती है? आंतरिक फल भित्ति होती है। और उसके अंदर आपको ऐसी ग्रंथि जैसी संरचनाएं देखने को मिलेगी, और ये जो ग्रंथि संरचना है यही हमें यही क्या होती है? खाने वाला जो पोर्शन होता है वो ग्रंथि वाला पोर्शन होता है। और उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे? थोड़े बहुत बीज देखने को मिल सकते हैं, जो कि यहाँ पर जो बीजांड न्यास होगा वह कैसा होगा? स्तंभीय प्रकार का होगा। इसमें प्रारंभ में स्तंभ में पाए जाते हैं, परंतु फिर यह इनके बीच बीच में कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। इस प्रकार के फ्रूट्स को कहा जाता है हेस्पेरिडियम, जो कि बहुअंडपी, संयुक्तांडपी और हाइपोगाइनस ओवी से मिलकर बना हुआ होता है। और यह बहुकोष्ठकीय प्रकृति का होता है, और इसका केवल जो गुदेदार वाला पोर्शन है या जो ग्रंथिल वाला जो पोर्शन है जिसमें जो छोटी छोटी ग्रंथिल वाला जो पोर्शन होता है वही इसका खाया जाता है। इसके बाद हमारे दो फ्रूट्स और बचे हैं, एक तो बेलास्टा है और एक है एम्प्टी सार्का। अब जो बेलास्टा और एम्प्टी सार्का प्रकार के जो फ्रूट्स हैं इनमें क्या अंतर है बेलास्टा और एम्प्टी सार्का? तो ये दोनों ही जो फ्रूट्स हैं यह बहुबीजी वह बहुकोष्ठकीय फल है। कैसे हैं? बहुबीजी और बहुकोष्ठकीय फल है। परंतु जो बेलास्टा प्रकार का जो फल है यह होता है अधोवृत्तीय अंडाशय से मिलकर, जबकि एम्प्टी जो सार्का है यह ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से मिलकर बना हुआ होता है। और दोनों की ही जो फल भित्ति होती है कौन सी? बाह्य फल भित्ति, वह काफी कठोर प्रकृति की होती है। कैसी होगी? काफी कठोर प्रकृति की होगी। जबकि अगर
फलों की बात करें तो कैसे हैं, बहुबीजी और बहुकोष्ठकी है, मतलब हम समझ सकते हैं कि इनका जो जायांग होगा वह बहुअंडपिंड संयुक्तांडपीय और बहुकोष्ठकी प्रकार का होगा। इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं यह बहुबीजी बहुकोष्ठकी फल है, परंतु इनका जो अंडाशय होगा वह कैसा होगा, अंडोवर्ती होगा, बेलाष्टका का और एम्बिसार्का का उद्वर्ती होगा, और दोनों की ही जो पाइल्य फल वित्ती होती है वह काफी कठोर प्रकृति की या काफी सख्त प्रकृति की होती है। जैसे आपने अनार की फल वित्ती देखी होगी, उसी प्रकार जो खेत होता है, खेत उसकी फल वित्ती देखी होगी तो काफी कठोर प्रकृति की वह हमें दिखाई देती है। अब जो अनार है वो किसका एग्जाम्पल है, तो बेलास्टा का एग्जाम्पल है, जबकि जो केत है वो किसका एग्जाम्पल है, एम्पी सार्का का एग्जाम्पल है। अब इन दोनों ही प्रकार के फलों में कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तो अनार में तो आपने देखा होगा कि अनार के जो बीज होते हैं, अनार के जो कोष्ठक, अनार के अंदर जो कोष्ठक दिखते हैं उनमें क्या उपस्थित होते हैं, बीज उपस्थित होते हैं, और उन बीज का जो बीज चोल है वही क्या होता है, इनमें खाने योग्य भाग होता है। क्या होता है, खाने योग्य भाग। तो बीज का जो बीज चोल होता है वही काफी रसीला प्रकृति का होता है और वही क्या है, यहाँ पर खाने योग्य भाग है। जबकि जो खेत होता है, खेत में तो जो बीजांडासन होता है, क्या बीजांडासन, मतलब बीजांड का जो आधारीय भाग होता है, और साथ ही जो इसकी फल वृत्ति का जो आंतरिक भाग होता है, बीजांडासन प्लस फल वृत्ति का आंतरिक भाग, यही क्या होता है, इनमें खाने योग्य होता है। किसमें, एम्पी सारका या खेत जो होता है उसमें खेत की जो फल वृत्ति होती है उसका आंतरिक भाग, और इनका बीजांड का जो बीजांडासन होता है या जिस स्थान पर बीजांड लगे हुए होते हैं उनका जो आधारीय भाग होता है उसे बीजांडासन कहा जाता है, वही क्या होता है, इनमें खाने योग्य भाग होता है, जो कि काफी खट्टा प्रकृति का हमें खाने में लगता है। इस प्रकार हम दोनों में ही हम डिफरेंस कर सकते हैं कि दोनों ही कैसे हैं, बहुबीजी बहुपौष्टिकी फल है, परंतु दोनों में ही जो खाने वाला जो पोर्शन है वह अलग अलग है, और दोनों के ही जो अंडाशय होते हैं एक में तो अधोवर्ती है और दूसरे में ऊर्ध्ववर्ती है। इस प्रकार हमने जो एकल फ्रूट्स हैं उन एकल फ्रूट्स में भी वो गुदेदार फल है, जो फलेसी फ्रूट्स हैं उनको कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है। हमने देखा कि जो गुदेदार फल है वो अष्टिक प्रकृति के हैं, मतलब ध्रुव प्रकृति के हैं, एक सरस फल है, एक टेपो है, कोम है, ऐस्त्री बीज है, बेलास्टा है, एंटी सार्का है। अगर सभी के एग्जांपल की बात करें तो अष्टिक फल में आप बादाम का एग्जांपल दे सकते हो, नारियल का एग्जांपल दे सकते हो, आम का एग्जांपल दे सकते हो, अखरोट का एग्जांपल दे सकते हो। इसी प्रकार अगर हम सरस फल की बात करें तो सरस फल में एक तो हमारा टमाटर है, बैंगन है, अमरूद है, तो ये सब सरस फल की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार अगर पेपो फल की बात करें तो पेपो फल किनमें पाया जाता है, तो जो कुकुरबिटेसी जो कुल है उनमें ही कौन से प्रकार के फ्रूट्स मिलेंगे, पेपो फ्रूट्स मिलेंगे, जिनमें कौन सा प्रकार का बीजांडनाश पाया जाता है, तो द्वितीय बीजांडनाश उनमें देखने को मिलेगा, जैसे तरबूज है, ककड़ी है, खरबूजा है, कद्दू है। इसी प्रकार कॉर्न फ्रूट्स की हमने बात की, जो कि आवासीय फल है, जो कि किसमें पाया जाता है, सेब में पाया जाता है। उसके बाद बात की हमने हेस्टेरिडियम, जो कि रूटेसी कुल की विशेषता है, रूटेसी कुल में हेस्टेरिडियम प्रकार का फ्रूट्स पाया जाता है, जैसे नारंगी है, संतरा है। इसी प्रकार बेलास्टा की हमने बात की, वह किसमें पाया जाता है, अनार में, या अनार का जो फल है उसे क्या कहा जाता है, बेलास्टा कहा जाता है। उसी प्रकार जो खेत है वह गोबर किस प्रकार का फ्रूट्स है, एंटी सार्का प्रकार का फ्रूट्स है। अब इस ये तो हमने पढ़े गुदेदार फ्रूट्स, इसके बाद हम अपने वीडियो लेक्चर के अंतर्गत जो एकल फ्रूट्स हैं उसमें हम शुष्क फल के बारे में स्टडी करेंगे, और साथ ही हम संग्रंथित फल और पुंज फल दोनों ही प्रकार के फ्रूट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, अगला पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।